हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सब टोटल फंक्शन कैसे यूज करते हैं और उसका क्या इस्तेमाल होता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट दिया हुआ है और उसकी सैलरी दी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने फिल्टर अप्लाई किया हुआ है और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि इसका टोटल किया हुआ, मतलब सैलरी का टोटल हमने यहाँ पे किया हुआ है। अब मान लीजिए कि यहां से डिपार्टमेंट में जब हम फिल्टर लगाएंगे और यहां से अगर हम सिर्फ फाइनेंस को सेलेक्ट करें, मतलब सेलेक्ट ऑल हटा देते हैं और यहां से फाइनेंस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहां से जब ओके पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए सिर्फ फाइनेंस का यहां पर डिटेल आ रहा है लेकिन टोटल में कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि जब फाइनेंस सेलेक्ट करें तो सिर्फ फाइनेंस का टोटल यहां दिखा है, या जब एचआर सेलेक्ट करें तो एचआर की सैलरी का टोटल यहां दिखा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सब टोटल फंक्शन। तो अब चलिए इस्तेमाल करके भी देख लेते हैं। फिलहाल सबको यहां से सेलेक्ट करने देते हैं और यहां से ओके पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको इस्तेमाल करने का बहुत आसान तरीका है। टोटल में हमें फंक्शन कैसे अप्लाई करना है, आप ध्यान से देखिएगा। हमें इक्वल टू टाइप करना है सबसे पहले, उसके बाद एस यू बी टी। तो यहां पर देखिए सब टोटल फंक्शन आ गया, इस पर डबल क्लिक करिए, फंक्शन ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही फंक्शन ओपन होगा, राइट साइड में आपको यहां पर देखिए कई सारे ऑप्शन यहां पर मिलते हैं, ठीक है। आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप काउंट कर रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, सबके लिए यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम सम कर रहे हैं तो हमने सम पे यहां पर डबल क्लिक किया तो ये देखिए 9 यहां पर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें कॉमा टाइप करना है, उसके बाद डिपार्टमेंट वाली जो रेंज है वो सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद यहां पर देखिए हमें फिर से कॉमा टाइप करना है, उसके बाद यहां पे सैलरी वाली जो रेंज है इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ये हमने सैलरी की रेंज जो है सेलेक्ट कर ली, ठीक। यहां पर देखिए पहले हमने सम डिसाइड सेलेक्ट किया, उसके बाद ये मतलब डिपार्टमेंट वाली रेंज सेलेक्ट करी, उसके बाद कॉमा लगा करके सैलरी वाली जो रेंज है वो सेलेक्ट कर ली, उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर दीजिए और इंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो फिलहाल टोटल आपको पूरे का दिखा रहा है ये। अब देखिएगा मतलब यहाँ पर जब हम डिपार्टमेंट चेंज करते हैं तो क्या होता है। ये हमने डिपार्टमेंट यहाँ से सेलेक्ट किया, सेलेक्ट ऑल हमने यहाँ से हटाया और सिर्फ एचआर सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए सिर्फ एचआर का यहाँ पर जो टोटल है वो दिखा रहा है, ठीक है।